अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे नुमाइंदा खसूसी ने रिपोर्ट दी है कि कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो की धुआंधार तकरीर। उनका कहना था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कोरोना पर जिम्मेदार आवाम को ठहराएं, आवाम को आप जाहिल करार देते हैं, इलेक्शंस में आवाम आपको बताएगी। ये कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का। बिलावल भुट्टो सरदारी कौमी असम्बली में हुकूमत पर बरस पड़े। जी, इनका कहना था कि कोरोना महज एक फ्लू है, कौन लॉकडाउन पर कंफ्यूज था, हुकूमत की कोई हिकमत अमली नहीं, 15 मिनट में एक पाकिस्तानी की मौत हो रही है पर घबराना नहीं। जी, हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है पर आपने घबराना नहीं है। ये उस मुल्क का बजट नहीं हो सकता जो कोरोना पैंडेमिक का मुकाबला कर रहे हो, जो लोकस्ट का 25 साल बाद सबसे बड़ा हमला का मुकाबला कर रहा है, जहां 70 मिलियन पाकिस्तानी को गुर्बत की लकीर के नीचे धकेले जा रहे हैं। इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए और हमारा मुल्क का ये बजट ही। किसने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक जुकाम है, एक फ्लू है? किसने कहा था, हर टेलीफोन कॉल पे चलाया था कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है? कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज है? कौन कहता था कि गर्मियों में कोरोना वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा? किसने कहा था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस तो पैंडेमिक ही नहीं है? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence? और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जाहिल है, पाकिस्तान के अवाम इनको दिखाएंगे, इलेक्शंस में बताएंगे। कोरोना वायरस को जबरदस्ती अब फैलाया है आपके बजट में, जब आप जानते हो कि ज्यादा मरीज होंगे, ज्यादा अमवात होंगे, ज्यादा केसेस होंगे, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस होंगे, तो क्या तैयारी? अब आप हमें बताएं, आपका जो सिलेक्शन है इसका कीमत इंसानी जानों में, हमारा मईशत को नुकसान जो पहुंचाया जाएगा, हमारा फेडरेशन को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हम इस नुकसान का जिम्मेदार किसको ठहराएं? हम वो वाहिद ममालिक होंगे जनाब इसके, जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू शॉप को गारंटी किया है मगर आज तक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ का तहफ्फुज़ नहीं। जब आप चाहते हो कि कोरोना के दौरान बुजुर्ग घर में रहे, आपको तो पेंशन्स में तारीखी इजाफा करना चाहिए था। हम मज़हमत करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं, मुतालबा करते हैं, तनख्वाह में इजाफा करो, पेंशन्स में इजाफा करो, अगर कटना है वजीर आजम का तनख्वाह काटे, अगर काटना है तो वजीरों का तनख्वाह काटे, मगर इन गरीब लोगों के तनख्वाह में तो इजाफा करे दिया है मगर आज तक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ का तहफ्फुज़ नहीं। जब आप चाहते हो कि कोरोना के दौरान बुजुर्ग घर में रहे, आपको तो पेंशन में तारीखी इजाफा करना चाहिए था। हम मज़हमत करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं, मुतालबा करते हैं, तनख्वाह में इजाफा करो, पेंशन में इजाफा करो, अगर कटना है वजीर आजम का तनख्वाह काटे, अगर काटना है तो वजीरों का तनख्वाह काटे, मगर इन गरीब लोगों के तनख्वाह में तो इजाफा करे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें अलखिदमत न्यूज़।